थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में सीएम योगी से मोदी यानी कि पीएम मोदी ने लंबी चर्चा की है। बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुझाव दिया कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही चर्चा में इस बात पर कोई भी फैसला लिया जा सकता है कि आखिरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए। इस पर अभी तक कोई बात निकलकर सामने ऑफिशियल सामने नहीं आ पाई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज काफी देर तक बात भी की है सभी प्रधान जितने मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के उनसे और सुझाव भी मांगा है। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे से अवैस जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अवैस के पास सीधे चलते हैं। अवैस देखिए बैठक जो ये हो रही थी क्या ये बैठक खत्म हो गई है और क्या कुछ फैसला आ सकता है महत्वपूर्ण आज लॉकडाउन पर क्या समझे? जी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी भी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। हालांकि सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उनसे बातचीत हुई है, दिल्ली के सीएम जो हैं केजरीवाल उनके साथ बातचीत हुई है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे उनके साथ बातचीत हुई है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो उनके साथ अभी तक बातचीत हो चुकी है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक ही बात कही है और ये कहा है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो बातचीत हुई उसमें पूरा ब्यौरा उन्होंने बताया किस तरह से इलाकों को सील किया गया है, वहां पे किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है लोगों को और किस तरह से पहचान की जा रही है और उनके घरों तक किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए 30 अप्रैल तक कम से कम। इसके अलावा जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल उन्होंने भी तीन सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि एक तो 30 अप्रैल तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ा दिया जाना चाहिए, उसके अलावा अगर लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील दी जाती है तो रेल वायु और सड़क यातायात पे किसी भी तरह की ढील जो है वो नहीं दी जानी चाहिए, इसको देखकर ही ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन जारी करना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सुझाव प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल ने दिया वो ये दिया है कि राज्य अपने तौर पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ना करें, केंद्र सरकार फैसला करे और सभी एक साथ उस फैसले को माने, क्योंकि इससे पहले उड़ीसा ने लॉकडाउन जो है वो 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था, उसके बाद पंजाब ने कल 1 मई तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया। तो उसको देखते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर अलग अलग राज्य जो है वो अपने हिसाब से लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो उसका उतना असर नहीं होगा जितना केंद्र सरकार और सभी एक साथ सहमत होकर लॉकडाउन बढ़ाएं। तो इस तरह की बातें भी सामने आई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज सबसे खास बात कही कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि देशव्यापी होना चाहिए लॉकडाउन, पंजाब ने तो कर ही दिया है। हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए लखनऊ से। अभिषेक का रुख करना चाहेंगे अब सीधे हम। अभिषेक देखिए सीएम भी मौजूद है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, सीएम के सुझाव कैसे हो सकते क्योंकि वो पहले से ही कह रहे थे देखिए कि लॉकडाउन जरूरी है, उसी को देखते हुए कई जिले सील भी कर दिए गए, तो यूपी में तो जरूरत है इसकी। क्या हम समझे कि यूपी में हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए और ये बात पर गौर किया जाए? देखिए तीन दिन पहले ही टीम 11 के साथ जब मीटिंग थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो ये बात सामने आई थी कि अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन आगे अगर नहीं बढ़ाया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या करना चाहिए। वहां पर सुझाव मांगे गए थे विधायकों से, अफसरों से, सांसदों से, सब अलग अलग वर्गों से सुझाव मांगे थे खुद मुख्यमंत्री ने और उस समय से ये तैयारी चल रही थी स्टेप बाय स्टेप कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है तो क्या राज्य सरकार उसमें करे। और उस समय से ये तैयारी शुरू हो गई थी कि इंडस्ट्रीज को कुछ कंडीशंस के साथ धीरे धीरे करके ओपन किया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात में अगर देखा जाए क्योंकि ज्यादातर राज्यों की एक आम सहमति है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाई जाए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से भी ये सहमति है, एक मोटे तौर पर कंसेंसस बना हुआ है कि अगर बाकी राज्य इस पर सहमत होते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी कंप्लीट लॉकडाउन के लिए डिमांड करेगी केंद्र से। और अगर ऐसा नहीं होता है, केंद्र की तरफ से कुछ सहूलियत दी जाती है तो उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी वो सहूलियतें दी जाएंगी, इम्पोज की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए और बड़ी खबर देखें हम आप